अगर खोखर साहब कह रहे हैं ना कि जरदारी साहब शायद हो सकता है इमरान पीटीआई के साथ मिल जाए, पीटीआई के साथ वो खड़े हो पीपल्स जाए। पार्टी फ्लेक्सिबल है, रेजिबल ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको दो चीजें बताई ना, मैंने आपको दो चीजें बताई कि एक चीज ये भी हो सकती है कि ये हैंग पार्टी दोबारा आपकी पार्लियामेंट ऐसी बने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बनी थी, और ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अंदर कोलैबोरेशन, ये दो प्लान आगे बिल्कुल आप इनको देख सकते हैं। लेकिन मियां साहब की पूरी कोशिश ये है कि उनके साथ कमिटमेंट के जरिए उनको बुलाया जाए कि मुझे तंग नहीं किया जाएगा और मुझे इख्तदार दिया जाए। जब तक ये दोनों चीजें उनकी पूरी नहीं होंगी, उनका कोई सी भी अक्टूबर की तारीख लिख लें, उसमें साल कोई सा भी लगा लें आप, उनकी वापसी बनती हुई नजर नहीं आती। मैंने आपको दो दिन पहले भी ये कहा था कि अभी तक मामला जो है वो जू के तू है, टेबल पे है और कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। आने वाले वक्तों में बारिशें भी आ जाएंगी, सर्दी भी आ जाएगी, उसी हिसाब से आने की तारीखें आगे पीछे होती रहेंगी। लेकिन जब तक उनको यकीन दहानियां नहीं होंगी वो नहीं आ सकते। लेकिन उनको जो दूसरी यकीन दहानी, यकीन दहानी तो शायद उनको दी जा सकती है कि आपको एक आध महीने में जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी यकीन दहानी कि आपको इख्तदार दिया जाएगा, इसमें अभी बहुत बड़ी रुकावट है। उनको एस्टेब्लिशमेंट इख्तदार देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट किसको इख्तदार देने के लिए तैयार है? आप शहबाज शरीफ को मिल सकता है, शहबाज शरीफ को वजीर आजम मिल सकते हैं, वजीर आजमशिप मिल सकती है, लेकिन मियां साहब के लिए अभी भी बहुत मुश्किल है। इतनी आसान उनके लिए नहीं है कि मियां साहब को इख्तदार दोबारा मिल जाए। कोशिश उनकी यही है लेकिन ऐसा इतना आसान नजर नहीं आ रहा जो हमें की जो सूरत हाल है वो आपका 40वां हो गया है उसके अंदर, जेल के अंदर। अब देखना ही है कि वो बरसी तक वही होंगे, एक साल उनका और गुजरेगा या क्या होगा, लेकिन उनको अभी मुस्तकबिल करीब में बाहर आने की पोजीशन कोई नजर नहीं आती। दूर सामने ये नजर आ रहा है पीटीआई को रोकना है तो इनको आगे लाना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने कहा जहीर साहब के वो एमकेएम और जेयूआई, एमकेएम जो मौजूदा है कराची में वो भाई उनके हालात बुरे हैं इस टाइम पर, उनके हालात तो आप कह रहे हैं कि है ना पीटीआई को रोकना है तो मुस्लिम नून लीग को लाना पड़ेगा। रेडी भाई की तरफ एक साथ बात ऐड करो, राज भाई भी है वो रेडी भाई ठीक कह रहे हैं। इवन के जो पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी रिसेंटली जो भी इख्तलाफ हुआ है वो बहुत टारगेटेड है, उन्होंने खुल के मुखालफत नून लीग की नहीं की, ना खुल के उन्होंने पीटीआई की हिमायत की है। बड़े बनाएंगे दोनों यार, ये बात लिख रहे हैं गवर्नमेंट, इन्होंने ही बनानी है दोनों। एनीथिंग इज पॉसिबल, उन्होंने दरवाजे सिंध के अंदर, रेडी भाई ठीक कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर हराना। पीपल्स पार्टी तो कराची में भी बहुत एक्टिव हो गई जब से ये मेयर के इलेक्शन हुए हैं, पार्टी पहले से ज्यादा सीटें लेगी, ये मैं आपको लिख के दे दूं। मैं आपको आपसे एग्री करता हूँ, वो देखे जो अपने बलबूते पे अगर दो सीटें भी निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। अपने कराची का वोटर भी बहुत डिसहार्ट हुआ हुआ एमकेएम से, एमकेएम के पास अपनी फंडिंग के इश्यूज हैं, एमकेएम के इंटरनल मामला बहुत खराब है, पैसा नहीं पार्टी चलाने। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी पंचायती इलेक्शन हुए थे ना, सैयद भाई पंचायती इलेक्शन में जी बोले, मैं कह रहा हूँ सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पीआईबी के हलका जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार का गढ़ कहलाता था, फिर वहां पे डॉक्टर सगीर अहमद एमपीए बनकर आया था और एमएनए भी बना था। लेकिन आप ये देखें गुज़िश्ता तीन इंतखाबात में जो 18 से लेकर अब तक दो या तीन दफा हो चुके हैं, उसके बाद आमिर यादव मरूम जीते थे उसी इलाके से और उसके बाद दो और इलेक्शन हुए जो जिमनी करके हुए, और वहां पे पीपल्स पार्टी एमकेएम की क्या पोजिशन थी कि वहां हजारों के अंदर उनके वोट रह गए थे, 3 से 4 हजार वोट रह गए। तो सिचुएशन जो है ना इतनी आसान नहीं है मौजूदा एमपी वादराबाद के लिए कि वो कराची की सीटें दोबारा गेन कर लेगी, इतना आसान उनके लिए अब नहीं है। जब तक कराची में जो हल्का बंदियां हुई है उन हल्का बंदियों में, नहीं तो सिराज में एक बात बताया ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिले? भाई पीपल्स पार्टी ने अगर 120-130 लास्ट टाइम ली थी ना तो मरे तो मरे, इस दफा भी 112-115 इस दफा भी लेंगे। नहीं आठ की बात कर रहे हैं, आठ की बात कर रहे हैं, आज की
अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं, पीपुल्स पार्टी ने सिंध में अपनी वादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनानी बना दी। सिंध में तो आप देखे ना, देखे सिंध में तो पीपल्स पार्टी ने ही बनानी है हुकूमत। जो जितनी पॉपुलरिटी है सिंध के अंदर अभी तक पीपल्स पार्टी की। जी मरकज में जहाँ तक ताल्लुक है, मरकज में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर ही हुकूमत बनानी है, चाहे आप लिखे। ज्यादा सीटें किसके पास होंगी ये बताए ना, ज्यादा सीटें। देखिये मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले कहा था।